मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं ज्योतिष और वास्तु विशारद हूँ। मैं वीजीएम मार्च 2023 का स्टूडेंट हूँ। गुरु जी के साथ अनुभव इतने हैं कि कह पाना मुश्किल है। जैसे कि हमने सीखा भाई, वास्तु पुरुष में सबसे भीतर देवता में सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के फिर चारों तरफ मुख हैं और चार मुख्य देवता हैं। मुझे लगता है कि गुरु जी के चार मुख हमारी तरफ हैं। कभी भूधर बन के वो हमें वास्तु का ज्ञान देते हैं, कभी आर्यमा बन के वो हमें संसार से कनेक्ट करने का व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। आर्यमा आप लोग जानते हैं कि ये ईस्ट की तरफ है, जो कि पिता की डायरेक्शन भी है, पिता सूर्य से कनेक्टेड है। मैं अक्सर कहता हूं कि सर आप हमें एक पिता की तरह भी समझाते हैं। विवस्वान बन के वो हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि कैसे हमें अपनी प्रतिष्ठा, अपने शब्दों की प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो हमारे नहीं है, वो हमारे गुरु के शब्द हैं, हमारे गुरु की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने हम संसार में जाएं। और मित्र बन के उनका जो अद्भुत मित्रवत व्यवहार है, जिसमें मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे सहयोगी सागर ग्रोवर भाग्यशाली हैं। हमें जो उनका एक मित्रवत व्यवहार देखने को मिला जब हम गए थे, एक अचानक प्रोग्राम बना था, गुरुदेव ने कहा था तुम दोनों मेरे साथ चलो गुरुकुल, एक अद्भुत मित्रवत व्यवहार जो सर का है, उसके लिए मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए। सर ने जो ज्ञान हमें दिया, देखिए मैं वास्तु पहले भी करता था और रिजल्ट्स पहले भी आते थे, लेकिन सर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को मैंने सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने भवन पे लगाया जहां मैं रहता हूँ। और मैंने पाया कि इस ज्ञान के माध्यम से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत क्विक हैं, वो बहुत फास्ट हैं। हमें वास्तु के रिजल्ट्स कितने दिन में आएंगे, कब आएंगे, हमें इस बात की खबर ही नहीं होती थी पहले। आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने कार्य किया है, गुरुदेव की कृपा है, उनका नाम लेके किया है, रिजल्ट्स आएंगे। मेरे इस चार महीने की यात्रा के समय में मैंने 5 से 6 पर्सनल अपनी या अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी में मैंने काम किया है, जो मैंने आपको शेयर्स भी किए हैं। रिजल्ट्स आने की गति 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, यद्यपि ये कमिटमेंट नहीं है कितने दिन में आएगा, लेकिन रिजल्ट्स इतने फास्ट आ रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। हमारे मेरे भीतर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस आ गया है और वो कॉन्फिडेंस परिलक्षित हुआ है एक शून्य के रूप में। तो मेरी जो फीस थी जो 5 फिगर में थी, आज वो 6 फिगर में हो गई है। ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बस एक 0 बढ़ी है। ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं और सागर हम जब गए गुरुकुल, हमें कई सारे ऐसे अनुभव हुए जिसको हम, देयर इज अ गुड वर्ड इन इंग्लिश, मिस्टिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं। यद्यपि हम सर के घर आए तब भी हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुए गुरुकुल में। मैं एक दो अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। एक अनुभव ऐसा हुआ कि हम लोग चले गए, गुरुदेव अपने कक्ष में चले गए, मैं और सागर हम चले गए। अब बारिश ने बहुत तेज बरसना शुरू कर दिया, सीवियर बहुत तेज बारिश थी, खूब बिजली कड़क रही थी, लगता रुकेगी थी। गुरुदेव का फोन आया वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी पे, आशीष चाय पिएगा? अरे हाँ सर बिल्कुल पिएंगे, आती है बनानी? हाँ सर आती है, चलो चाय पिए। हम किचन गए, अशोक भैया ने भी सुनी हमारी आवाज, वो भी आ गए, उन्होंने चाय बनाई। अब इतनी तेज बारिश है कि हम किचन के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते, तो हमने दरवाजा बंद करके अंदर चाय पीनी शुरू की। सर ने कहा आशीष बस 2-1 मिनट में बारिश खत्म हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कैसी होगी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वो बारिश खत्म हो गई, वो बिजली कड़कनी बंद हो गई। उसके बाद वो बिजली हमें कहीं 5-7 किलोमीटर दूर कड़कती दिखाई देती थी, जिसकी आवाज भी हमारे तक नहीं आती। ऐसे कई मिस्टिक अनुभव मैंने और सागर ने लिए। एक मिस्टिक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो वहां पर जो धुनी है, तो गुरुदेव ने बताया था कि धुनी किस तरह से सीरीज में, किस तरह से धुनी और शक्ति की किस तरह से ये एक स्थापना है। रात को गुरुदेव हमें वहां लेके गए और मुझे नहीं पता क्या है, गुरुदेव वॉज डूइंग लाइक दिस, और मेरे और सागर ने देखते देखते अग्नि कुंड में ज्वाला प्रज्वलित। हमारे ऐसे ऐसे मिस्टिक अनुभव हैं कि शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। मैंने बहुत क्लाइंट के काम किए, मेरे क्लाइंट्स को बेनिफिट आया, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने प्रोफेशन को और सुंदर तरह से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मैं सर का, ईशा मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पे एक अवसर दिया उनके पास आने का, मिलने का। हाँ एक चीज मुझे जरूर कहनी है, आप सब सर खातिरदारी बहुत जबरदस्त करते हैं। जब वो मित्र होते हैं ना तो वो पूरे मित्र होते हैं, जब वो गुरु होते हैं ना तो पूरे गुरु होते हैं।
जब वो पिता होते हैं ना, तो पूरे पिता होते। ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि ऐसी अद्भुत ऊर्जा, ऐसे ऑरा वाले सर हमें मिले, जिन्होंने हमारे जीवन का, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का मार्ग उज्ज्वल किया। मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ सर के लिए गा के। तुमने हमको प्यार दिया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने हमको ज्ञान दिया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। धन्यवाद। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो, मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो।